हमारा सफ़र आज का शुरू हो गया है और इस टाइम पे सलिंग ब्रिज से हम हुशे की तरफ निकल रहे हैं और सामने आपको हल्दी कॉर्न्स नज़र आ रहे हैं और हमारी किस्मत मौसम भी माशाल्लाह बहुत अच्छा है। आज 3 सितंबर 2021 और हुशे टूर स्टार्ट होने लगा है। यो हो कांदेर जांबो है ना, जो कांदे नाला है ना। एक कांदे वेली कांदे विलेज में हम मौजूद हैं और यहाँ से K6 का बेस तो अमीन रफ है और पूरा होशे गांव खाली है और हमारे लिए इस्तकबाल करने के लिए पहुंचे हैं ये दोनों और मस्ती कर रहे हैं हमारे सामने इस टाइम पे। हाँ जी, ये वाला नाम होशे मैं मशबूम बेस कैंप के लिए जो हमारा एक्सपेडिशन है वो अभी हमने शुरू किए हैं। ये होशे विलेज हम जस्ट क्रॉस कर रहे हैं, ब्रिज क्रॉस किए हैं, टीम हमारी आगे जा रहे हैं। जिंदगी की आखिरी सांस लेने में होशे वैली चश्मा
कौन है? ये इस टाइम पे आप जो नाला देख रहे हैं, ये अलिंग वैली से पानी आ रहा है और ये दुमसुम खुशे वैली में जगह है और दुमसुम ये सामने मशबूम बेस कैंप की तरफ और वो तीसरा दुम है वो आपको शहीद चौक नज़र आ रहा है। रंडागोरो ला से जब आप उतरते हैं तो शहीद चौक पहुंचते हैं, उधर से सीधा जाए तो लामलू और सीधा नीचे आए तो खुशे की तरफ। डिनर का इंतज़ाम कर रहे हैं, यहाँ नाइट स्टे करके कल इंशाल्लाह हम हो चुकी है। हाँ जी, नाश्ता कर रहे हैं सुबह सुबह माशाल्लाह, नमकीन चाय, अंडा, मीठी चाय, कुलचे, अजोक और हमारा मग और हमखुद। अरे मशबरूम आने वाला है अभी, तो
एक घंटा ब्रूमबामा हमने अपने टेंट वगैरह लगाए और दोबारा हमने ट्रैक स्टार्ट किया है। बेस कैंप करके इंशाल्लाह वापस कैंपिंग साइट पे आएंगे। ब्रूमबामा के सामने आप चेक कर सकते हैं, ये सब जगह है ब्रूमबामा। और हम अभी निकले हैं बेस कैंप की तरफ। सीजन में भेड़ बकरियां रखते हैं, छोस पांग इस जगह को कहते हैं। बेस कैंप थोड़ा सा पीछे ही है, ये 2-1.5 महीने के लिए भेड़ बकरियां यहाँ रखते हैं। ये है जी मशबरूम। हाय, इस टाइम पे मशबरूम वैली में हम मौजूद हैं और ये आपके सामने मशबरूम टू बादलों में चला गया है। ये है जी मशबरूम टू और बेस कैंप की तरफ जाएंगे। ये अभी साइड पे नजर आ रहा मशबरूम वैली में है। ये हुशे वैली से तकरीबन 14 किलोमीटर है। ये आपको बैकग्राउंड में मशबरूम 2 नज़र आ रहा है। पूरा ग्लेशियर पे हम चल रहे हैं और ये हम आपको लेके जाएंगे मशबरूम व्यू पॉइंट पे। थोड़ा सा रहेगी, साथ आएंगे तो इंशाल्लाह आपको लेके जाएंगे। ग्रीन है ना, तो भाई हम पहुंच गए हैं मशबरूम बेस कैंप और धूप भी है माशाल्लाह। मौसम बहुत अच्छा रहा लेकिन टॉप पे अभी बादल हैं और हम लोग तकरीबन 10 बजे चले कैंपिंग साइट से और 2.5 घंटे लगे हैं बेस कैंप पहुँचते पहुँचते। ग्लेशियर्स क्रॉस किए, छोसपंग क्रॉस किया और अभी क्लोज जा रहे हैं मशबरूम के। और ज़िंदगी में पहली दफ़ा बेयाल कैंप के बाद, बहुत अरसे बाद आज
बड़े पहाड़ के दामन में आ गए, तो देखें बहुत ही खूबसूरत व्यू। लो भाई, खान साहब ने दीदार करा ही दिया। ये ले भाई, आप भी देख लें मशरूम बेस कैंप से। टाइम पे मशबूम बेस कैंप पे छोटा सा लेक और उसके साथ बैकग्राउंड में मशबूम। और आज के दिन 3 सितंबर 2021 को हमने आके यहाँ पे चला रही है।
आज हमारा लास्ट डे यहाँ पे ब्रूमबम्मा कैंप साइट पे, और आज मशरूम कभी भी आप देख लें इतना फिट करके, कोई बादल नहीं, विजिबिलिटी बिल्कुल क्लियर है, बट टाइम टू से गुड बाय, अल्लाह इंशाल्लाह ज़िंदगी रही। ओके अमर भाई, सो टुडे इज़ आवर लास्ट डे एट मशाबर्म बेस कैंप ट्रैक, सो हाउ अबाउट योर एक्सपीरियंस ऑफ द ट्रैक अरेंजमेंट्स एंड एवरीथिंग? काफ़ी मेहमान जमा हैं यहाँ पे कैंपिंग साइट पे, जाके जो है ना आप देख सकते हैं वहाँ जो है ना कैसे कैसे वन हसीन पीक, लिसार पीक, मिर्जा पीक, चुलू पीक, फरहाद पीक, हतीब पीक, ना मिर्जा सारे जो है ना उस वैली में। अभी आप जाके चाहते हैं मशहूर फेमस ये सात हजार आठ सौ चौबीस हाइट पे जो है ना चाहत के साथ और पैसे के साथ और अपना टाइम के साथ बंदा जो है ना।